नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HPSC स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप सभी ने आंसर रमन सिंह दिया था और रमन सिंह ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु वॉज इन्वाइटेड बाय इंडिया टू द चीफ गेस्ट विल नॉट अटेंड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। तो किस देश के राष्ट्रपति जिन्हें भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे, उनके अम्बेसडर के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इनको हम इनवाइट किया गया था भारत के द्वारा और भारत यहाँ पर इनविटेशन देने के बाद इन्होंने यहाँ पर 2024 में जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसमें आने से मना कर दिया। अमेरिकन अम्बेसडर जो कि भारत में है उनके द्वारा, एरिक गार्सेट्टी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो जो बाइडन यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाएंगे। भारत ने इनविटेशन G20 समिट जब दिल्ली में चल रहा था सितंबर के महीने में उस समय पर दिया था। ठीक, चलिए आगे बात करें तो कौन कौन चीफ गेस्ट बने हैं 2023 में। अगर आप बात करें, प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने थे चीफ गेस्ट, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्शन जीत चुके हैं। तीसरी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन इजिप्ट में जीत चुके हैं। कोविड-19 की वजह से 2021 और 2022 दोनों में कोई नहीं आया था, और 2020 में प्रेसिडेंट जायल बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट हो चुके हैं अब, वो आए थे। 2019 में सिरिल रामापोसा साउथ अफ्रीका के आए थे। इसी प्रकार से अन्य राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आगे बात करें तो जो रिसेंटली में नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा 78 पार्लियामेंट मेंबर्स को उस समय पर यहाँ पर सस्पेंड किया गया था, उस समय पर ये नंबर हाईएस्ट था, लेकिन अब दोबारा से हाईएस्ट हो चुका है। लगभग 140 प्लस मेंबर्स को सस्पेंड किया जा चुका है इस विंटर जो सेशन चल रहा था उसमें। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गांव में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए शुरू किया था। यूनेस्को जिसने गुजरात के ट्रेडिशनल डांस गरबा को यहां पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। इंडिया जो कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हाइएस्ट नंबर वोट्स के साथ चुन लिया गया है, नई दिल्ली में 2+2 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, और हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 दिसंबर को ट्राइबल डे के अवसर पर झारखंड में ट्राइब्स के उद्धार के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड खेल के जगत में सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये इस बार कितने लोगों को मिला है, तो ये इस बार 2 लोगों को मिला है। ये किसको किसको मिला, तो ये चिराग चंद्रशेखर सेट्टी जो कि बैडमिंटन के प्लेयर है, और रन की रेड्डी सत्विक साईराज जो कि बैडमिंटन के ये भी प्लेयर है, इन दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। मतलब मिला नहीं है, अनाउंसमेंट हो चुका है, अब ये अवार्ड
2024 में 9 जनवरी को जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर दिया जाएगा 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई जिसमें सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड दो लोगों को मिला। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रणकी राज सत्विकर साई राज। ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड लगातार 4 साल अपना खुद का गेम बेहतर करने के बेहतर करते हुए आपने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके बेस पर आपको दिया जाता है। और इस बार अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं 26 लोगों को। कितने? 26 लोगों को। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें और भी बहुत सारे अवार्ड, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड वो किसको दिया गया? जो खेल जगत में कोचिंग प्लेयरों को देने के मामले में सबसे बेहतर काम करते हैं पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। और अगर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की जो कैटेगरी होती है उसमें उसकी बात करें तो द्रोणाचार्य की लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को यह अवार्ड मिला। ध्यानचंद, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, एक है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 3 लोगों को इस बार मिला। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 की है, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर चूज़ किया गया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जो कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो विनिंग है उसमें वो टॉप पर रही। दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है, और तीसरे पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में अवेलेबल है। तो ये तीनों याद रखिएगा, जो जो मैंने बताया है ऑलमोस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी यूनिक वीडियो चाहें तो बताइएगा, इसको मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, और 2022 का जो खेल रत्न अवार्ड है वो अचंता शरत कमल को दिया गया था। अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रिजुल मियानी, ये मिस इंडिया यूएसए 2023 का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। प्रशांत अग्रवाल, ये नेशनल अवार्ड प्राप्त कर पाए हैं बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में टाइम्स मैगजीन के द्वारा। सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया। टेलर स्विफ्ट, इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया था। और अगर प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें टाइम्स मैगजीन के द्वारा लियोनल मेसी को अनाउंस किया गया। वीआर ललित अंबिका, इसरो के साइंटिस्ट हैं, इनको लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से, फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच, इनको इनकी नोवेल पोफेट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 2023 के लिए चुना गया। और सेनिस पलासियोस, निकारगुआ से बिलोंग करती हैं, 72nd नंबर की मिस यूनिवर्स ये बनी हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड सुरेश वाडकर को देने की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन, नेम इंडियाज फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च सेंटर डेट विल ऑपरेट थ्रू आउट द ईयर इन द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में पूरे साल ये अब काम करेगा, कौन? हिमाद्री। ये मैं आपको एक दो बार रिवाइज करा चुका हूँ, याद रखिएगा। आर्कटिक रीजन में भारत का जो रिसर्च सेंटर हिमाद्री है पूरे साल अब ये काम करने वाला है। ठीक, नॉर्थ पोल में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच वुमेन प्लेयर द रोल ऑफ ऑक्शनियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल का जो ऑक्शन होता है, जो नीलामी होती है प्लेयरों की, उसमें पहली बार किसी महिला ने यहाँ पर नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है। इनका नाम क्या है? मल्लिका सागर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, मल्लिका सागर। याद रखेंगे 23 ईयर का इनका पूरा करियर है ऑक्शनियर के रूप में, और इन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग जो हुई थी उसमें भी ऑक्शनियर का काम किया था। 2021 में जो प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शनियर हुई, मतलब नीलामी हुई थी, उसमें भी इन्होंने काम किया था। और अब ये वर्ल्ड की रिचेस्ट जो फ्रेंचाइजी मतलब दुनिया में होती है आईपीएल के नाम से लीग होती है, उसमें भी इन्होंने ऑक्शनियर के रूप में कार्य कर लिया है। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच
वायलेंस केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट कोलोराडो डिसक्वालीफाई डोनाल्ड ट्रंप फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो किस हिंसा के मामले के कारण अमेरिकी राज्य के कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। आंसर होगा ये यूएस कैपिटल वायलेंस, कौन सा यूएस कैपिटल वायलेंस केस की वजह से यूएस में अब ये प्रेसिडेंट के पद के लिए इन्हें यहाँ पर कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अयोग्य घोषित कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 50 राज्यों से मिलकर ये देश बनता है और यहाँ पे जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये फैसला दिया गया है, ध्यान रखेंगे कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, टू विच फोर्स हैज द होम मिनिस्ट्री एंट्रस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है रिसेंटली में दो लड़के घुस आए थे और उन्होंने आंसू गैस के जो मतलब एक गुब्बारे टाइप में है वो उन्होंने वहाँ पे छोड़े, जिसकी वजह से धुआं धुआं हो गया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बवाल हुआ उसकी वजह से। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जो वहाँ की सुरक्षा है, संसद भवन की सुरक्षा है, वो अब CISF के हाथों में दे दी है। CISF जो कि अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो हाउस है उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठा चुकी है CISF। ध्यान रखिएगा CISF जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है, इसको स्टेबल किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था 1969 में और DG इसके इस समय पर नीना सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। अगला क्वेश्चन, इन वन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ MP सस्पेंडेड। संसद के एक सत्र में सर्वाधिक संख्या में निलंबित सांसदों का नया रिकॉर्ड बन गया है। तो कितने सांसदों को एक सेशन में ही निलंबित कर दिया गया, तो 146 टोटल सांसद हैं जिनको निलंबन मिला है इस विंटर सेशन में। यह अपने में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता चला गया। 17 दिसंबर से लगातार और आखिरी में 22 दिसंबर को जो सेशन खत्म हुआ, 21 दिसंबर तक यहां पर रिकॉर्ड बन गया 146 का। 146 पार्लियामेंट मेंबर्स को यहां पर सस्पेंड किया गया, जो अपने में ही अभी तक का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू सब वेरिएंट ऑफ COVID-19 हुज इन्फेक्शन स्प्रेड टू मोर देन 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इन दिसंबर 2023। तो COVID-19 के नए उप वेरिएंट का नाम बताइए जिसका संक्रमण दिसंबर 2023 में भारत सहित दुनिया के 40 से अधिक देशों में फैल गया। तो 40 से अधिक देशों में संक्रमण किसका, JN1 का फैला है, JN.1 का यहाँ पर संक्रमण फैला, जो कि एक डिसिडेंट के रूप में काम कर रहा है ओमिक्रोन जो सब वेरिएंट BA.2.86 का। और अगर बात करें पिरोला, इसको पिरोला कहा जाता है, पिरोला और JN.1 में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज है पर एक डिफरेंस है उसमें, इसीलिए ये अपने म्यूटेशन की वजह से एक हार्मफुल यहाँ पर कोरोना वायरस डेवलप हुआ है और जो वैक्सीन दिया हुआ है उनको भी यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है, कई बार ऑब्जर्व किया गया WHO के द्वारा ये बताया गया। नए वेरिएंट में वही सेम जो कैरेक्टर्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, फीवर, हेडेक, कफ, रनी नॉइस, थ्रॉट, जो सोर थ्रॉट होगा, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी आपको शिकायत हो सकती है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई द न्यू सब वेरिएंट JN1 ऑफ COVID-19। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 के नए उप संस्करण JN1
को कैसे वर्गीकृत किया है? तो इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। क्या? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा ये नया वर्जन है, इसीलिए नए वर्जन को इंटरेस्ट के नाम से, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से WHO ने यहाँ पर इसको परिभाषित किया है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस ऑब्जर्व करते हैं। श्री जो श्रीनिवास रामानुजन हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 2012 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये अनाउंस किया था और हम उसके बाद हर साल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो रमन सिंह नए स्पीकर बन गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के। अब्दे फतेह अल सीसी इजिप्ट के दोबारा से तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। हरियाणा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीता है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है इसके लिए लोन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। प्रहलाद जोशी जिन्होंने नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया। और आर्कटिक रीजन में जो हमारा हिमाद्री नाम का एक स्पेस रिसर्च सेंटर है वो अब विंटर के सीजन में भी काम करेगा। और मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर यहाँ पर बनके उभरे हैं। हर्षल पटेल इंडियन प्रीमियर लीग में भारतीयों में सबसे एक्सपेंसिव है। और अरेबियन सी में यहाँ पर MV रूवेन जो शिप का नाम है हाईजेक हो गया था, उसको इंडियन नेवी ने अरेबिक सी में रेस्क्यू कर लिया। 20 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हाउ मैनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिलते हैं, तो आप उन सभी के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगा। 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, पांचों के बारे में बताने की कोशिश कीजिएगा कितने कितने अवार्ड मिले हैं वहाँ पर। और अगर आप चाहेंगे तो इसकी वीडियो आपको स्पेशल मिल जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मैसेज आते हैं तो आप हम इसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।